हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स कैसे, उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं बता रही हूँ, कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, मैं मटर को कैसे साल दो साल तक स्टोर कर सकते हैं, करके रख सकते हैं फ्रिज में, वही बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 किलो मटर लिया, उसको छील कर लगभग 2 किलो हुआ, 2 से 2.5 किलो। तो देखिए वो मटर ली हूँ, छील ली हूँ, और ये 2 लीटर पानी लिया है, जितना भी ले सकते हैं, बस मटर डूबना चाहिए उसमें। तो 2 किलो मटर के लिए मैंने इसमें 4 छोटे चम्मच चीनी डाला है, ताकि मटर का कलर जैसा है एकदम वैसा ही रहे और मटर में मिठास बनी रहे। तो पानी बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं, और वह मैंने इसको स्टोर करने के लिए जिप लॉक बैग लिया है, आप चाहें तो इस तरह का पॉलीथीन भी ले सकते हैं। पानी में बॉयल आ गया और ये मटर में एकदम हाई फ्लेम है अभी, और ये सारे मटर को मैं इसमें डाल दूँ जितना आ सका है। तो 2 किलो मटर हमारा आ गया इसमें, तो बस इसको टाइम देखकर 2 मिनट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, बॉयल नहीं करना है, बस 2 मिनट इसको रखना है। 2 मिनट जैसे ही होंगे मैं इसको, और इधर देखिए मैं ठंडा पानी ले ली हूँ, और अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो उसमें नॉर्मल पानी लेकर उसमें आइस क्यूब्स डाल दें ढेर सारा। तो बस मैं इसको, ये 2 मिनट था, उसके बाद मैं उसको छान ली हूँ, ये जब ठंडी हो गई तो फिर मैं चिल्ड वाटर में इसको डाल देती हूँ, और तब तक इसको इसमें रखेंगे जब तक ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए। तो मेरा एक बर्तन नहीं हट रहा, तो मैं दूसरे बर्तन में भी रख दी हूँ ठंडे पानी में, बस उसका ठंडा होने तक का इंतज़ार करें, उसके बाद फिर से इसको छान लेंगे छन्नी में, फिर से उसको छान लेंगे ताकि सारा पानी उसका निकल जाए। उसके बाद इसको जिप लॉक बैग में मैं उसको भर कर रखूँगी। ये आपको साल दो साल तीन साल जितने भी दिन आप रखेंगे, डीप फ्रीजर में रखें उसको। और मतलब टिप्स ये देना चाहूँगी कि जब भी आप, जितना ज़रूरत हो आपको उतना ही निकालें, फिर से वापस उसी टाइम मतलब उसको फ्रिज में रख दें जो बाकी का बचा हुआ है, वरना वो अगर बाहर छोड़ देंगे उसको तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही निकालिए। तो देखिए मैं इसमें भर दी हूँ, ठंडी हो गई थी तो देखिए लॉक लगा दिया। इसी तरह से मेरे पास और भी था 2 किलो मटर, तो उसे भी मैं सेम प्रोसेस से वही काम कर रही हूँ जैसे पहले। तो देखिए मैं दोनों जिप लॉक में भर दी हूँ, और अगर आपके पास जिप लॉक नहीं है तो आप ये पॉलीथीन में भी उसी तरह से पॉलीथीन में डाल दें, और अगर इसमें क्लिप है तो आप लगा दें, वरना आप अच्छे से गांठ लगा दें इसका एयर निकाल कर। तो देखिए ये रखने के लिए रेडी है फ्रिज में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये नुस्खा पसंद आया होगा, कि विधि पसंद आई होगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये सालों साल ख़राब नहीं होंगे। तो इसके साथ ही वीडियो का करते हैं द एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो इसके साथ ही